हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों. दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड आर यू रेडी? वेरी गुड बच्चों, हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 11 मेजरमेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ. आज हम क्या करेंगे? यस, हमने पढ़ चुके हैं कि मेजर एडिशन ऑफ वेट, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. और बच्चों, जो मैथ्स है ना, मैथ्स में आप लोगों को इन्हीं चीज़ों का जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. लेकिन साथ में आपको हम आज पढ़ाएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम, जिसको आपको पढ़ना है. और ये वर्क आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे. किस में करने हैं बच्चों? नोटबुक में. ओपन योर नोटबुक, टेक योर पेंसिल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन टुडे डेट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन नंबर 1. अ बकेट फुल ऑफ वाटर वेट 8 केजी 400 ग्राम. द वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट 750 ग्राम. व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर इन द बकेट? बच्चों क्या लिखा है? एक बकेट है जो कितने पानी से भरी हुई है? यस, उसमें वाटर है 8 kg 400 ग्राम. द वेट ऑफ एम्प्टी बकेट, के जो खाली बकेट है ना, उसका वेट कितना है? एम्प्टी बकेट का वेट है 750 ग्राम. तो अब आपको किसका वेट बताना है? वेट ऑफ वाटर, आपको जो है वाटर का वेट बताना है. तो क्या करना है आपको? ऑफ कोर्स जो बकेट में पानी भरा हुआ है ना, तो उसमें आपको बकेट का वेट दे दिया है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेट ऑफ फुल बकेट इज इक्वल टू 8 kg 400 ग्राम. एंड सेकेंड स्टेप में लिखिए वेट ऑफ एम्प्टी बकेट, ओके, इज इक्वल टू 750 ग्राम. बच्चों जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप वैसे ही लिखते चले जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना है ना. अब आपको बताना है वेट ऑफ वाटर. वेट ऑफ वाटर, तो वाटर का वेट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? ऑफ कोर्स आप टोटल जो फुल बकेट, पानी से भरी हुई बकेट का वेट है, उसमें से आप एम्प्टी बकेट का वेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो कैसे करना है? 8 kg 400 ग्राम माइनस 750 ग्राम. तो बच्चों इसमें केजी नहीं दिए, इसलिए केजी तो नहीं, आप 400 से 750 ग्राम को माइनस कर देंगे. ओके, किस तरीके से करना? इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखते जाइए, और स्टेटमेंट जैसे हमने बोला है इस तरीके से लिख लीजिए, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ओके, ठीक है ना. तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबसे पहले क्या किया आपने? 800 kg 400 ग्राम लिखा है, फिर आपने 400 ग्राम से 700 ग्राम को सब्ट्रैक्ट किया है. हाँ, यदि आपको इसमें बोरो की रिक्वायरमेंट है तो आप बोरो लेना पड़ेगा ना. यस, तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट करना सभी बच्चों को आता है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको पढ़ा दिया है. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सुधा बॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स वेटिंग 3 kg 950 ग्राम. वट इज़ द टोटल वेट ऑफ 8 सच बॉक्सेस? बच्चों यहाँ पर 1 चॉकलेट बॉक्स का वेट दिया है, ठीक है. अब आपको कितने खरीदने हैं? 8 ऐसे बॉक्स खरीदने जिसमें आप क्या देखेंगे, यस, जिसमें चॉकलेट भरी होनी चाहिए. कितनी? 3 kg 950 ग्राम. तो जब आपने एक बॉक्स खरीदा है, सुधा ने क्या खरीदा? सुधा बॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट. सुधा ने एक चॉकलेट का बॉक्स खरीदा है जिसका वेट कितना है? 3 kg 950 ग्राम. अच्छा, ठीक है, कितना है? 3 kg 900 ग्राम. बच्चों उन्हें जो है ऐसे ही 8 और बॉक्स खरीदने. कितने बॉक्स खरीदने? 8. तो अब 8 बॉक्स का वेट कम होगा कि अधिक होगा? यस, ऑफ़ कोर्स अधिक होगा ना, क्योंकि 8 का 1 बॉक्स का वेट कितना दिया है? 3 kg 950.
तो 8 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स, 3 kg इंटू 950 इन 3 kg 950 ग्राम इंटू 8। 8 क्यों? क्योंकि 1 बॉक्स का वेट दिया है। अब 8 बॉक्स होंगे तो 8 बॉक्स का वेट भी आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। कैसे करना है देखिए, 1 बॉक्स ऑफ चॉकलेट वेट, ठीक है, या वेट ऑफ 1 चॉकलेट बॉक्स इज इक्वल टू 3 kg 900 ग्राम। देयरफॉर 8 सच बॉक्सेस विल वेट इज इक्वल टू 3 kg 950 ग्राम इंटू 8। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करना तो सभी बच्चों को आता है ना। यस, इसके लिए आप लोगों को टेबल्स लर्न करना बहुत ज़रूरी। जब आप टेबल्स लर्न कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, फ्रैक्शंस हो, कुछ भी है, आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, यस मल्टीप्लाई किया 8 का टेबल 0 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, देन 9 टाइम्स, देन 3 टाइम्स। सभी बच्चों को आता है मल्टीप्लाई करना? यस, 8 का टेबल पढ़ेंगे, पहले 0 बार, देन 5 टाइम्स, देन 9 टाइम्स, देन 3 टाइम्स। अब आप लोग देख रहे हैं कितना आंसर आ गया, 31 kg 600 ग्राम। तो 8 चॉकलेट बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा बच्चों? 31 kg 600 ग्राम। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा, जब किसी एक यूनिट का वेट देते हैं और अधिक, उससे अधिक यूनिट का वेट पता करना होता है या रेट, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? मल्टीप्लाई। ओके, तो आज हम आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं। 2 क्वेश्चन में हमने आपको एक पढ़ाया है जिसमें आपने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन, और सेकंड क्वेश्चन क्या था? मल्टीप्लिकेशन। अच्छा बच्चों, दोनों की को कैसे आपने जाना कि ये सब्ट्रैक्शन? यस, बहुत ही इजी होता है ये चीज़ समझना, है ना। जैसे कोई अधिक चीज़ दी है कि आपको, जैसे वेट वेट बताया है ना, और उसमें से दो में चीज़ का दिया है और दो में एक का वेट आपको दे दिया है, दूसरे का निकाल रहा है, तो उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। और इसी प्रकार से यदि किसी एक चीज़ का कॉस्ट देते हैं और उससे अधिक चीज़ आपको खरीदनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पर टोटल वेट लिखा है, इट मीन्स ये नहीं है कि आप जो है उसको 8 टाइम्स प्लस प्लस करेंगे, वो तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों जल्द से जल्द आप ये अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।